हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। सुख समृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में घर लाएं 6 चीजें, कभी नहीं होगी पैसे की कमी। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में विराजमान हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको नवरात्रि में विधि विधान से पूजा करनी होगी। घर में साफ सफाई और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से माँ लक्ष्मी का वास हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन चीजों को घर में लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में इन चीजों को लाएंगे तो पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। नंबर 1, कमल के फूल का चित्र या फिर सोने या चांदी का सिक्का। कमल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश का चित्र बना हुआ हो तो और भी शुभ होता है। नंबर 2, केले का पौधा। नवरात्रि में केले के पौधे को घर पर लाएं और उसे गमले में रोपकर घर के आंगन में रखें। पूजा करने के बाद रोजाना जल चढ़ाएं और गुरुवार के दिन दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसे की कमी कभी नहीं रहती। नंबर 3, शंख पुष्पी। अपने घर पर नवरात्रि के मौके पर शंख पुष्पी की जड़ को खरीद कर लाएं। शुभ मुहूर्त में इसकी जड़ को चांदी के डिब्बे में रखें और इसे अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से पैसे की तंगी नहीं रहती। नंबर 4, धतूरे की जड़। पूजा में धतूरे का महत्व बेहद ही ज्यादा है। यहाँ तक कि तांत्रिक अपनी पूजा में भी इसका प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में धतूरे की जड़ को पूजा घर में स्थापित करें और 9 दिन तक महाकाली की पूजा अर्चना करें। नंबर 5, बड़ के पत्ते। बड़ के पेड़ के ताजे पत्तों को तोड़कर लाएं और उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा स्थल की जगह पर रखें। नवरात्रि में पूजा करते वक्त देवी माँ को चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी की कृपा सदैव बनी रहेगी। नंबर 6, दूधी की जड़ी। दूधी की जड़ी को लाकर एक तावे जैसा बना लें और इसे अपने शरीर के किसी भी अंग में पहन लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है नवरात्रि में घर लाएं ये 6 चीजें, कभी नहीं होगी पैसे की कमी। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय माता दी।